अस्सलामुअलैकुम एवरी वन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आए हैं और प्यारी और नई वीडियो के साथ। आज रमज़ान का सेकंड संडे है और हमने सोचा कि आज फिर अपने लिए कुछ करते हैं। तो मैंने कहा अगर अपने लिए कुछ करना है तो क्यों ना अपने नाज़रीन के लिए एक प्यारी सी और अच्छी सी वीडियो बना लें। तो संडे है, आमिर बोदला जी, अब्दुल्ला और ये जुहेब और ये हमारे छोटे छोटे मेहमान हमारे साथ हैं। और आज देख लिया होगा आपने कि हम करना क्या चाहते हैं। चलिए इंशाल्लाह आपको आगे मिलते हैं इस वीडियो में, आप हर चीज़ की ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे। माशाल्लाह से पहुंच गया है अपने मंजिल मकसूद पर। तो आज खरगोश प्रोग्राम है तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह दिखाते हैं, ठीक है? तो ये अफ्तारी होगी, खरगोश भी दिखाया ना उनको, आज हमारा खरगोश बड़ी दूर से आया है। हमारा खरगोश भी आया है, ये हमारे अब्दुल्ला भाई है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, इनके साथ मेरे काफ़ी व्लॉग हैं, ये कुहाड़ से आए हैं। ये देखे पिछली बार इसी पर खाना बनाया था। जी तो खरगोश तकरीबन जो है ना बन गया, उसके पीसेस होने लगे, ठीक है? अब साजिद और मुबीन भाई उसको पकाएंगे। तो बस लड़के जो है ना उन्होंने रेडी कर दिया है, तो चले अब मिलते हैं आपको खरगोश देखने। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्याज डाल दिया और साथ में चिकन डाल दिया ताकि थोड़ा सा खरगोश का जो मीट है वो हमने डाल दिया ताकि थोड़ा सा गल जाए और इसके अंदर से जो हमक होती है थोड़ी सी वो ख़त्म हो जाए। फिर इंशाल्लाह इसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। फिलहाल ये कर रहे हैं थोड़ा, इंशाल्लाह आज तो थोड़ा लेट भी हो गया लेकिन बन जाएगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से बन जाएगा। पानी सारे डालना अभी इसमें? हाँ जी पानी डालना और दही दही मैं डाल लेता हूँ, वो अभी टाइम है उसमें। पानी ले आओ, पानी सूखेगा उसके बाद जाके ना
ग्रेवी के लिए नहीं डालते। पानी डालने लगा बस 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 चल 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 अरे क्या कर रहे हो तुम लोग वाले वाले चेक अगल बिल्कुल नहीं मेरी तो ये टमाटर पे अरे तू उठाऊंगा अगर तू अफतारी इधर करेगा तो सोने तो स्वागत कर लिया ये क्या जी माशाल्लाह से मेरे जिम के ट्रेनर मेरे उस्ताद जी भी आ गए हैं सिर्फ मेरे पे नजर रखने के लिए कि मैं क्या क्या खाता हूँ। इनकी डाइट का बहुत फोकस करते हैं यार, ध्यान रखते हैं क्योंकि बाद में हमने झेलना होता है इन्हें। ये थोड़े मोटे हो गए थे फिर हमें कहते हैं यार हमें स्मार्ट होना है। बिल्कुल तो माशाल्लाह से अब जो है ना खरगोश तकरीबन बन गया हुआ। कामी भाई भी पहुँच गए हैं। तो कामी भाई पहले कभी ट्राई किया खरगोश आपने? फर्स्ट टाइम है आज, पता चलेगा। आए इंशाल्लाह जरूर ये खोल के अभी नहीं दिखा सकता कि लास्ट थोड़ा सा टाइम है, 5 से 7 मिनट का टाइम है। चले अभी 5 से 7 मिनट के टाइम के बाद जो है ना सिखाते हैं बच्चे को कि नमक वगैरह कैसा है। ठीक है तो फिर खाते हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे ही। तो कमी भाई वैसे हमारी ये जगह आपको कैसी लगी? बहुत जबरदस्त यार, अच्छी जगह है ना। साथ में बाबा जी इधर गंदम है, ठीक है, और इधर भी है ना पुखे पुखे हैं। तो बोर का दरख्त कहते हैं, आपको तो पता ही होगा पिंडों गांव में सबसे अच्छी जगह बोर के नीचे जो है ना होती है, बड़ी ठंडी हवा लगती है। तो बड़ा इधर जो है ना हम तो अपना एंजॉय करते हैं यहाँ पे। चले इंशाल्लाह मिलते हैं खाते हुए आपको। जी तो माशाल्लाह से आज जो है ना क्या बनने लगा साजिद, ये डिश का नाम क्या है? ये सोडा वाटर बनने लगा, सोडा वाटर पकौड़ा, सोडा वाटर। वाह, ये पहले तो अभी चीनी मिक्स हो रही है। मिर्ची कोला बन रहा है, मिर्च भी डाल रहे हैं। बस ये भाई को ना चाकू चलाना आ गया। ये अभी मैंने ना ये उतार दिया और इंशाल्लाह पाकिया होगा। बस इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी दही इस्तेमाल करेंगे हम, और फिर इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बस हवा निकल रही है थोड़ी। माशाल्लाह से बन गया हुआ है और इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। खजूरें हाथ में है, वेजीज बारबेक्यू भी बन गया है। तो अभी इस बार जो है ना रिव्यू हमें कामी भाई देंगे क्योंकि हमारे मेहमान खास आज कामी भाई हैं। ठीक है, बोला जी को भी ज़्यादा भूख लगी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हमने तो नहीं छोड़ना, बेशक जैसे मर्जी बना। तूल पट दिया, नहीं मजेगा मजेगा बाबा। मैं कहता हूँ लेवल साजिद गिला खत्म, मजेगा कसम से। हाँ 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 जी कामी भाई कैसा लगा खरगोश खा के? यार बहुत मजे का लगा, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। और क्या कहते हैं, मैंने हान साहब से पूछा है कि ये पकाया किसने, कहते हैं कि हमने भी कुछ वो नहीं था लेकिन टेस्ट बहुत मजे का था। बाकी बाकी बहुत मजे का बना था ना, तो उसके लिए क्या होगा यार, ये इतना ये क्रेडिट इस बार जाता साजिद खान को। साजिद खान को क्रेडिट जाता है इसने, मैं कहता हूँ धूल पड़ दिया। पहले साजिद की सांसें देखो, खुश मजा नहीं आएगा लेकिन जो है ना बहुत मजा आया यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अब एक नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।